एवरीवन, आई एम शेली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जिस दिन ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगी उस दिन मेरा बर्थडे है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार देना बिल्कुल मत भूलना। एंड आज की वीडियो में मैंने क्रिएट किया है ये वाला लुक, ये है श्रद्धा कपूर इंस्पायर्ड लुक। ये वाला लुक एक्चुअली श्रद्धा कपूर ने वीट हेयर रिमूवल क्रीम की एड में कैरी किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये अपकमिंग फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन के लिए एकदम परफेक्ट लुक होगा। तो हाँ, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है देन यू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। एंड गाइस, दिस इज लाइक सुपर इजी लुक, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक कोई नहीं कर पाए, बहुत इजी है, बिगिनर फ्रेंडली है। एंड मुझे लगता है काजल हर इंडियन लड़की पे बहुत सूट करता है, एंड गजरा मुझे लगता है हर इंडियन लड़की की एथनिक वेयर, जब वो पहनती है तो ब्यूटी निखर के आती है गजरा पहनने से। तो हाँ, और गाइस अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मेरे पोजेज में कि भरतनाट्यम के कोई स्टेप्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ वॉइस ओवर करते हुए, तो मुझे बहुत फनी लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ एंड मैं अपने फेस को प्राइम करूँगी अपने फेवरेट प्राइमर से, जो कि है स्विस ब्यूटी का प्राइमर। ये बहुत अफोर्डेबल है और एंड ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा प्राइमर है, एंड मैं डैप डैप करके इसको अपनी स्किन पे लगा लूँगी। गाइस, कभी भी प्राइमर को मॉइस्चराइजर की तरह स्किन में रब करके नहीं लगाना चाहिए, ऐसे वो आपके पोर्स फिल नहीं करेगा, हमेशा डैप डैप करके लगाते हैं, ओके। एंड अब मैं बढ़ रही हूँ फाउंडेशन की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है मेरा लॉरियल इनफॉलिबल का फाउंडेशन। एंड ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो मैंने कोई कंसीलर नहीं ले रही हूँ, इसी से ही अपनी डार्क सर्कल्स कवर कर लूँगी। और अब मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइज, आईब्रोज के लिए मैं हमेशा की तरह मेरी मेबलिन द न्यूज पैलेट से ग्रे कलर का शेड ले लूंगी एंड बस नॉर्मली जो भी गैप्स है मेरी आईब्रोज में उन्हें फिल कर लूंगी। सी, ऐसे मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी फिल कर लूंगी। एंड अब बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ, जिसके लिए मैंने पहले ले लिया है ये पीची ऑरेंजी काइंड ऑफ अ शेड, एंड इसको मैं एज अ यूज करूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड अपनी क्रीज पे। मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कलर बिल्ड करूंगी, क्योंकि श्रद्धा कपूर की जो आईज है उसमें उसने ऑरेंज या पीची कलर का ट्रांजिशन शेड यूज किया हुआ है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। गाइज, अब मैं अपनी क्रीज को थोड़ा सा और डेफिनेशन देने के लिए, डेप्थ देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड। एक्चुअली जो भी मैंने पैलेट में आपको दिखाया कलर थोड़ा सा मैं डिफाइन नहीं कर पाई, एक्चुअली वो डार्क ब्राउन कलर का शेड है जो सबसे ऊपर वाली लाइन में सबसे कॉर्नर वाला शेड है, मैं वो वाला यूज़ कर रही हूँ एकदम डार्क ब्राउन कलर का। इस शेड से मैं अपनी क्रीज को डेप्थ दे दूंगी, क्योंकि श्रद्धा कपूर की जो आईज है उसमें बहुत ज़्यादा क्रीज पर ब्राउन डार्क ब्राउन कलर से उसने डेप्थ दी हुई है, तो मैं सेम वही कर रही हूँ। एंड गाइस, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोग इधर उधर हो जाए, थोड़ी बहुत चीज़ें मैच नहीं करें, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से चीज़ें कर पाऊँ। तो हाँ, अब गाइस मैं अपनी लिप्स पे लगा रही हूँ मेरी मेबलिन द न्यूज पैलेट से एक ब्रॉन्ज कलर का शेड। गाइस, ये बहुत अच्छा शेड है, बहुत प्रिटी शेड है, एंड उसके ऊपर मैं लगा लूँगी ये गोल्डन कलर का शेड, ताकि मेरी लिप्स एकदम हाईलाइट हो जाए। एंड अब मैं लगाऊंगी ब्लैक कलर का काजल अपनी वाटर लाइन पे। एंड मैं अपनी अपर वाटर लाइन भी टाइट लाइन कर लूंगी इस ब्लैक कलर के काजल से, क्योंकि श्रद्धा कपूर ने जो आई मेकअप वेयर किया हुआ है बहुत ही उसमें उसने बोल्ड काजल वेयर किया हुआ है। तो हाँ, अब उसने श्रद्धा कपूर ने एक्चुअली आईज पे बहुत ही थिन आईलाइनर लगाया हुआ है, नॉर्मल आईलाइनर, तो मैं भी वही कर रही हूँ। मैंने अपनी लैग में एब्सोल्यूट शाइन लाइन से ब्लैक कलर का आईलाइनर लगा लूंगी। एंड गाइस, मैंने जो नीचे काजल लगाया था मैं उसको थोड़ा सा स्मोक आउट कर लूंगी ब्राउन कलर का शेड लेकर। सी, तो मैंने स्मोक आउट कर लिया है। एंड गाइस, श्रद्धा कपूर की जो ब्राउ बोन है उसमें गोल्डन कलर का हाईलाइट यूज हुआ हुआ है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। एंड अब मैं अपने आई मेकअप को फिनिश कर लूंगी मेरे मेबलिन के फेवरेट मस्कारा के साथ। श्रद्धा कपूर ने कोई आई लैशेज वेयर नहीं किए हुए, उसने बहुत सारा मस्कारा लगाया हुआ है, मैं भी वही कर रही हूँ। वैसे मैं आई लैशेज नॉर्मली भी नहीं लगाती क्योंकि मुझे आईज पे बहुत हैवी लगता है, लाइक मुझे अच्छा नहीं लगता आईज ना, ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ बर्डन लग रहा है।
तो हाँ, एंड गाइस श्रद्धा कपूर ने कॉरल पिंकी कॉरल काइंड ऑफ अ कलर वेयर किया था। मैं दो कलर एक्चुअली मिक्स कर रही हूँ, दो लिपस्टिक, एक मेबेलिन की है एंड एक स्विस ब्यूटी की है। मैं शेड्स नीचे मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। तो मैं इन दो शेड्स को मिक्स कर लूंगी। तो ये बन गया है हमारा परफेक्ट शेड। अब मैं ब्लश के लिए लगा लूंगी हमारा मेबेलिन का ब्लश। ये बहुत ही प्यारा, बहुत अफोर्डेबल ब्लश है, पिंक कलर का ब्लश है एंड पूरे लुक के साथ कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है ये पिंक कलर का ब्लश, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गाइस लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इज सम ग्लो हाईलाइट। तो जिसके लिए मैं, आपको पता है हमेशा की तरह मेरे पास कोई सेपरेट हाईलाइट पैलेट नहीं है, मैं वही मेबेलिन द न्यूज पैलेट में से मैंने वाइट कलर का शिमरी शेड ले लिया है, जिससे मैं हाईलाइट कर लूंगी अपनी नोज को, क्यूपिड बोस को, चीक बोन्स को एंड हाँ। तो बस ये है फाइनल स्टेप। उम्मीद है आपको आज का ये लुक अच्छा लगा होगा, एंड अगर लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना एंड मेरे नीचे एक अच्छा सा कॉमेंट लिख देना, लाइक भी कर देना एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।